भारत दे विच कला दी कोई कमी नहीं है, पर मूर्तां बनाउण दी कला भारत दे विच अत प्राचीन कला है। भारतीय मूर्ति कला तकरीबन तीसरी पूर्व शताब्दी दे विच जाके शुरू हुंदी है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता दे लोप हो जाण ते भारत दे मूर्ति कला दे मुड़ आरंभ होण च 1800 साल दा वक्फा है। वैसे तो बहुत सारे मूर्तिकार ने जिन्हां दे वल्लों बनाईयां मूर्तियां देशां विदेशां दे विच पहुंच के भारत दी शान वधाउंदियां ने, पर पठानकोट दी रहण वाली रेनू जो पंजाब दी सब तो छोटी उम्र दी औरत मूर्तिकार कलाकार है, जिसका नाम काफी रोशन है। रेनू पिछले कई सालों तो पत्थर धातु ते लकड़ी नाल कई मूर्तां तैयार कर चुकी है। इस दे वल्लों बनाईयां मूर्तियां भी लखां रुपए दे विच विकदियां ने। रेनू दे हत्थां दे विच इन्ना जादू है कि मूर्तां दे विच भी जान पा दिंदे ने। रेनू दा कहना है कि लोकां दी इह धारणा है कि पेंटिंग अते मूर्तिकार दोनों एक तरह दा काम है, पर दोनों दे विच बड़ा ज्यादा फर्क है। रेनू कहंदी है कि अज लोक इस नूं सिर्फ एक शौक वजो देखदे ने, जदकि इस काम नूं ओह अपना कैरियर भी बना सकदे ने, क्योंकि रेनू दे हत्थों बनाईयां होईयां मूर्तां कई फिल्मी हस्तियां दे घर ते कई राज घराणियां दी शोभा वधा रहियां ने। पहला तुसी भी देखो रेनू दे हत्थ दियां इह बनियां मूर्तां नूं। जेकर रेनू दी पढ़ाई दी गल करिए तां रेनू ने 2023 विच RSG कन्या महाविद्यालय तो आर्ट एंड क्राफ्ट विच डिप्लोमा पूरा किया। उस तो बाद 2010 दे विच जम्मू यूनिवर्सिटी तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, 2013 विच राजस्थान यूनिवर्सिटी तो मास्टर ऑफ फाइन आर्ट दौरान ओसोन तमगा जेतु रही है। 2013 दे विच राजस्थान यूनिवर्सिटी तो मास्टर ऑफ फाइन आर्ट दौरान ओसोन तमगा जेतु रही है। हुण तक रेनू नूं कई पुरस्कारां दे नाल सन्मानित किया जा चुका है। इन्हां दे विच 2006 च कल्चर अकैडमी जम्मू कश्मीर तो सर्वोत्तम पेंटर वजो पहला इनाम, 2009 विच जम्मू यूनिवर्सिटी तो क्ले मॉडलिंग विच पहला स्थान, 2008 विच वुड कट प्रिंट विच स्टेट मैरिट अवार्ड, 2012 दे विच जयपुर दे विच ललित कला अकैडमी वलों सर्वोत्तम मूर्ति कलाकार दे अवार्ड, 2017 दे विच दिल्ली विखे होए युवक महिला कलाकार वजो सन्मानित, दिल्ली विखे होए राष्ट्रीय कैंप विच सर्वोत्तम मूर्तिकार वजो दूजा पुरस्कार, ते इसे दे नाल ही इस नूं होर भी कई अवार्डां दे नाल सन्मानित कीता जा चुका है। हुण तक रेनू द्वारा बनाई गई सब तो वड्डी मूर्ति 60 फुट दी सी, ते रेनू दे हत्थां दे नाल बनाईयां गईयां मूर्तियां दे विचों सब तो घट कीमत दी मूर्ति 70,000 रुपए ते सब तो वध 70 तों 75 लाख रुपए दी मूर्ति है। पठानकोट दी कलाकार रेनू ने 20,000 साल पुराने मैमथ दे दो दंदां नूं नवां रूप दे के पठानकोट ते पंजाब दा नाम पूरे देश भर दे विच रोशन कीता है। ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲੇਖਾ 9 ਤੋਂ 6 ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਏ ਬਰਥ ਬੋਲ ਲਓ ਚਾਹੇ ਬਾਏ ਬਲੱਡ ਬੋਲ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵੀ ਆਈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਗੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੱਥਰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੌਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾਏ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ KMP ਹਾਈਵੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ NCERT ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ 11 ਮੂਰਤੀ ਜੋ ਕਿ
दिल्ली का सब तो मेन चौंक है, तो पिछले महीने ही 11 मूर्ति के सामने मेरा काम लग्या, जो मेरे लिए बहुत वड्डी चीज है, क्योंकि 11 मूर्ति एक ऐसी जगह है जिथे गांधी जी की लाइफ नू लैके एक स्कल्पचर लग्या होया है, उदे बिल्कुल सामने एक मेरे लिए बड़ी वड्डी रिस्पैक्ट की गल ही, वह चीज मेरे लिए बड़ी वड्डी प्राउड की गल ही, बड़ी वड्डी अचीवमेंट की गल ही कि मेरा स्कल्पचर एक बनिया पत्थर का उथे लग्या है। ते उस तो बाद मैं एक चीज फील की कि मैं जड़ा मेनू जन्म मिलिया है ए बेसिकली मेनू अपना इंडियन आर्ट एंड कल्चर ते अपने भारत ते अपने स्टेट नू एक वक्री जगह लैके जाने वास्ते बनिया है, ते नाल अपने आर्ट नू अपनी इंडिया नू रिप्रेजेंट करने वास्ते बनिया है कि मैं वक्रे एरिया दे उत्ते जाके एक वक्री पहचान दे उत्ते मैं सामने लियावां। देखो मैं लड़की नहीं, इस चीज वास्ते मैं लड़कियां नू भी कहना चाहवांगी, मैं इस चीज नू बाउंड नहीं करांगी कि नहीं कुड़ियां नू बाहर निकलना चाहिए ते ए चीज करना चाहिए, क्योंकि मैं जिस फील्ड विच है तो लड़के भी नहीं आते। मैं कर मतलब कि जिहड़े मापे है मतलब उन्होंने मैं ये चीज कहांगी कि अजकल दा टाइम आफ्टर कोविड इदा का हो गया कि हुण किताब तो तुसीं बाहर आ जाओ, क्योंकि अज दे टाइम च क्रिएटिविटी एक इदा की चीज है जिदे विच ना तो कोई बाउंडेशन है और ना ही कैरियर दा विच ऑप्शन नहीं है, तुसीं ये चीज नहीं बोल सकते। अज पंजाब दा दूसरा यूथ तुसीं देखो MBA करदा है, प्लस टू करदा है, तो सीधे कहिंदा ही कैनेडा जाना ही, उत्थे जाना, बट उत्थे जाके कर की रहा है? अपने इंडिया नूं तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, अपने से ब्रेड एंड बटर नूं ही चला रहा, क्यों ना साडे जिहड़े सूबे दे या फिर अपने इंडिया दे लड़के लड़कियां नशे नू छड के या फिर बाकी पंजाबी लैंग्वेज च बोलो कि आलस नू छड के कुछ ऐसी जी चीजां वल वधन जिहड़े लोकी सोचदे कि नामुमकिन है। अगर नामुमकिन है तो एक बारी मेरे वाल देख लो, ओ देखो कि मैनू तो कोई मेरी बैकग्राउंड आर्टिस्ट नहीं ही, मैनू कोई पोलीटिकल सपोर्ट भी नहीं ही, कोई एडमिनिस्ट्रेशन मेरे घर का कोई DC भी नहीं ही, फिर भी मैं वह चीजा नू अचीव किया। मैं कोई बड़ी इंटेलीजेंट कोई इदा की बच्ची भी नहीं ही, पर फिर भी जिसले मेरा प्लस टू कंप्लीट होया उस तो बाद ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट हुई, अज मेरा रिसर्च चल रहा है, मेरी छापी हुई नोट्स मेरे किताबा बार इंडिया के बाहर भी पढ़ी जा रही है, तो फिर अगर मैं कर सकनी एक नॉर्मल जी इंसान तो तुम क्यों नहीं कर सकते। पठानकोट तो जतन शर्मा की रिपोर्ट।